हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक आकलन प्रोजेक्ट परियोजना कार्य 2022-23 कक्षा 6वीं विषय संस्कृत का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समय रहेगा एक सप्ताह का। 20 अंकों का प्रोजेक्ट दिया गया, दो प्रोजेक्ट दिया गया जिसे छात्रों को अपने घर में कंप्लीट करके उसको स्कूल पर जमा करने होंगे। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को एक सप्ताह का समय दे। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने, प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दे। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहे। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। तो दो प्रयोजना कार्य दिया गया है जिसका उत्तर हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। पहला प्रश्न, संस्कृत में कोई श्लोक याद करके उसका अर्थ लिखिए। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओ न ही सर्वत्र चंदनम, वने वने। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलता, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं रहता, साधु सभी जगह नहीं मिलते, चंदन हर वन में नहीं मिलता। इस तरह से आपको उत्तर करना है। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवे न सर्वत्र चंदनम, न वने वने। ये आपका पूरा श्लोक और नीचे में इसका अर्थ। फिर आपका दूसरा, अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं और भी आपका श्लोक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थ होता है केवल कामना करने के नहीं बल्कि उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ होता है केवल कामना करने के नहीं बल्कि काम करने से कार्य सिद्ध होते, जैसे सोए हुए सी के मुख में यानी कि मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता। इस तरह से आपको दो श्लोक दिया गया जिसका उत्तर आप कोई एक श्लोक को आपको याद करके इसका अर्थ लिखना है। कालिदास जयंती के बारे में पांच वाक्य लिखना है। तो कालिदास जयंती 9 नवंबर दिनांके आर्च्यते। पहला लाइन, कालिदास का जो जन्म हुआ 9 नवंबर को मनाया जाता है। कालिदास संस्कृत भाषिया महान कवि आसित। मेघदूत इति कालिदासस्य प्रसिद्ध ग्रंथ। मेघदूत कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाकवि कालिदास सह कवि गुरु इति कथ्यते, कवि गुरु इति कथ्यते। पांचवा लाइन, कालिदासम प्रकृति चित्रण अतिवर्यम अस्ति। कालिदासेन त्रीणी नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च, द्वे महाकाव्य द्वयम, रघुवंशम, कुमार संभव च रचितानी। तो इस तरह से आपको लिखना है। कालिदास जयंती 9 नवंबर दिनांके आर्च्यते। कालिदास संस्कृत भाषिया महान कवि आसित। मेघदूत इति कालिदासस्य प्रसिद्धः ग्रंथः। महाकवि कालिदास सह कवि कुल गुरु इति कथ्यते। कालिदासं प्रति चित्रम अतिवर्यमस्ति। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च, द्वे महाकाव्यम द्वयम, रघुवंशम, कुमार संभवम च
रचितानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।